वेलकम बैक गाइस टू द चैनल। एंड आज की जो वीडियो है गाइस, ये है एक अनबॉक्सिंग वीडियो, थोड़ी यूनिक है, कुछ गेम्स रिलेटेड नहीं, लेकिन आज जो है हम अनबॉक्स करने वाले हैं यहाँ पे ये सैमसंग का गैलेक्सी S23 FE वर्जन। ठीक है, अब ये FE मॉडल है S23 अल्ट्रा का, लाइक सेकेंड बेस्ट चीज होती है लाइक फ्लैगशिप प्रोसेसर की या फिर फ्लैगशिप डिवाइस की, तो वो जो है गाइस इस S23 FE में है। तो आज जो है गाइस हम ये अनबॉक्स करने वाले हैं, तो रियली थैंक्स सैमसंग इंडिया एंड सैमसंग को ये डिवाइस यहाँ पे भेजने के लिए। तो बढ़ते गाइस अनबॉक्स करने के लिए एंड देखेंगे इस डिवाइस को। तो ये जो कलर हमें मिला है वो मिंट कलर है, तो बॉक्स के ऊपर जो है गाइस बहुत ही अच्छा लग रहा है, बट अभी जो है गाइस ओपन करने के बाद हम रियल लाइफ में देखते हैं कि ये कलर दिखता कैसा है। ठीक है, तो वेरी वेरी एक्साइटेड। यहाँ पे जो है गाइस ये बहुत ही बजट रेंज में जो है गाइस आपको ये डिवाइस मिलता है, एंड इसके अंदर जो हमें फीचर्स वगैरह मिलते हैं वो तो भाई एक नंबर है। ठीक है, फ्लैगशिप कैटेगरीज के जो है गाइस इसके स्पेक्स है, तो यहाँ पे जो है इसे अनबॉक्स कर देते हैं। हमने जो है सील तोड़ दी है पीछे की, एंड बूम देयर इट इज सैमसंग। ओके, इसके अंदर जो है गाइस हमें आई थिंक सिम इजेक्टर टूल देखने को मिलता है। ओके, तो सिम इजेक्टर टूल एंड उसके बाद जो है गाइस यहां पे चार्जिंग केबल हमें देखने को मिलती है। इसकी जो ये चार्जिंग कैपेसिटी है ये 25 वाट की है, एंड यहां पे जो है गाइस ये डिवाइस हम देख सकते हैं लाइक स्पेशली जो कट आउट है कैमरा का बहुत अच्छा लग रहा है, एंड जो मिंट कलर है वो ऑलरेडी जो है मस्त में यहाँ पे जो है शाइन हो रहा है वो छोटे से कट आउट से। तो अभी जो है गाइस इसे हम निकालते हैं बाहर, एंड ओके इट्स डेफिनेटली फील होता है गाइस कि कुछ तो यू नो तड़कती फड़कती चीज़ आपने पकड़ी है हाथ में। इट्स डेफिनेटली नॉट अ चीप, आपको जो है गाइस बहुत ही प्रीमियम फील दे रहा है। हालांकि मैंने फ़ोन को टच भी नहीं किया, लेकिन जो वेट है वही जो है गाइस यहाँ पे काफ़ी है। एंड यहाँ पे जो है गाइस इसे ओपन कर देते हम, एंड लेट्स गो। Nice, that was really good, man. Satisfying है यार, satisfying है. Foo, that display, man. Okay. भाई मजा आ रहा है यार, मजा आ रहा है, सच में कह रहा हूँ. I mean, किसे मजा नहीं आता यार, you know, like new device unbox करना, open करना, and here it is, the device आप देख सकते हो बहुत ही like शानदार तरीके से चमक रहा है S23 FE, and यहाँ पे जो है इसका back है देख सकते हो मिंट कलर जो है बहुत ही जबरदस्त लग रहा है। स्टिकर को जो है गाइस बैक पैनल से निकाल देते हैं, बाजू में रख देते हैं, एंड हैव अ लुक एट दैट। एजेस भी जो है बहुत ही जबरदस्त है, एंड उसके बाद जो है गाइस कैमरा कटआउट हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये तीन कैमरेज है, फ्लैश लाइट है, उसके बाद जो है गाइस अगर हम बटन की बात करें यहाँ पे पावर बटन है, उसके बाद पावर अप एंड डाउन। ये साइड में जो है गाइस लेफ्ट साइड में कुछ हमें देखने को नहीं मिलता। तो उसके बाद अगर मैं नीचे के साइड जाऊँ तो यहाँ पे जो है गाइस टाइप सी है, स्पीकर ग्रिल है यहाँ पे, एंड साउंड भी जो है गाइस यहाँ पे जैसे देख रहे हो लाइक छोटा सा लाइक बहुत ही स्लाइटली कट आउट है ऑफ कोर्स ईयरपीस के लिए, जिससे आप ऑफ कोर्स कॉल वगैरह रूटीन सुन सकते हैं। और इसके बाद जो है गाइस यहां पे एक सामने कैमरा दिया है, सिम इजेक्टर ट्रे जो है वो यहां पे ऊपर के साइड में, एंड यहां पे जो है माइक्रोफोन हमें देखने को मिलता है, उसके बाद शायद से नीचे भी है। तो या आई मीन माइक्रोफोन के लिए भी अच्छी खासी यहां पे इस प्लेसमेंट दी गई है। अभी जो है इसे कर देते हैं पहला बूट अप, एंड इसे जो है पावर ऑन कर देते हैं, एंड देखो यहाँ पे जो है गाइस चालू हो रहा है। बहुत ही अग्रेसिव प्राइसिंग है गाइस इसकी फिलहाल के टाइम में, तो अगर आप ये प्लान कर रहे हो लेने का भाई गो फॉर इट। लाइक जिस सीरीज का है ये S23 भाई इट इज इनसेन डिवाइस, इसके अंदर जो है गाइस बहुत ही पावर पैक चीजें भरी है। ओके, तो यहाँ पे जो है गाइस सब कुछ सेट हो चुका है, एंड भी जो है गाइस मैं आपको इसका ओवरव्यू दिखा देता हूँ। सबसे मेन बात यहाँ पे जो इसका डिस्प्ले है, सैमसंग का डिस्प्ले है 120 FPS या फिर 120Hz का जो है AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है, जिसकी ब्राइटनेस जो है गाइस 1450 nits तक जाती है। तो अगर मैं इसे फुल ब्राइटनेस पे कर देता हूं तो आई थिंक देखने में जो है कुछ यहाँ पे परेशानी होने वाली नहीं है, एंड भाई बहुत ब्यूटीफुल लगता है इसका डिस्प्ले। ठीक है, एंड जो इस डिवाइस को पावर दे रहा है वो जो है गाइस यहाँ पे 4 नैनोमीटर का एक्सिनोस का प्रोसेसर है, 2200 का जो इस डिवाइस में पावर है उसकी डिलीवरी करता है, एंड यहाँ पे जो है गाइस मक्खन चलता है 120Hz डिस्प्ले। एंड जैसे मैंने अभी जो है इस डिवाइस को यू नो पहला बूटअप किया है, तो सबसे मेन बात जो देखने को मिलती है वो जो है गाइस यहाँ पे कुछ ज्यादा ब्लोटवेयर नहीं है। यहाँ पे जो है मेन जो हम एप्स यूज करते हैं फेसबुक ऑलरेडी प्री इंस्टॉल है, नेटफ्लिक्स है, तो यहाँ पे और ज्यादा ब्लोटवेयर नहीं है, जस्ट दो स्क्रीन है एंड बस इतने ही यहाँ पे एप्स है अवेलेबल। एंड ऑफकोर्स इसके अगर कैमरेज की बात करें तो कैमरेज भी जो है इट्स 1x देखने को मिलता है, 3x देखने को मिलता है, एंड देन यहाँ पे 10x भी है, 20x भी है, एंड देन देयर इज द 30x। ठीक है, तो दैट इज रियली गुड। अगर मैं फोटो यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, थोड़ा स्टेबल करते हैं अपने हाथ को एंड फोटो खींच ली, लेट्स ओपन, एंड आई थिंक हम अच्छे से पढ़ सकते हैं कि इस ब्रोकन कॉशन। तो या तो कैमराज आर रियली गुड। यहाँ पे जो है 30x तक हमें जूम देखने को मिलता है, एंड वही अगर मैं यहाँ पे वीडियो की बात करूँ तो वीडियो में जो है यहाँ पे फुल HD 30 HD 60, एंड यहाँ पे जो है गाइस 8K तक रिकॉर्ड कर सकते हो, 8K 24 FPS। इस छोटे से पैकेज में जो है गाइस आप 8K तक शूट कर सकते हो 24 FPS, एंड ऑफकोर्स यहाँ पे 4K 60 है, 4K 30 FPS है। यहाँ पे जो है सुपर स्टडी मोड भी है, तो यहाँ पे जो मूवमेंट हमें देखने को मिलती है इट्स वेरी वेरी स्मूथ, तो वो भी जो है बहुत ही स्मूथ देखने को मिलता है। और भी जो है गेमिंग रिव्यू भी डिटेल में आने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड रहना। ये थी क्विक अनबॉक्सिंग ऑफ S23 FE।
अगर आपको बाय करना है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, डेफिनेटली भाई बीस्ट ऑफ अ फोन विद दैट प्रोसेसर एंड इसके बाद जो है गाइस जो यहाँ पे फीचर्स ये प्रोवाइड करता है इट्स इनसेन। अगर मैं आपको कैमरे में और डिटेल दिखाऊं एंड अगर मैं आपको मोड में जाऊं तो यहाँ पे जो है गाइस लिटरली S23 अल्ट्रा जैसा है जो है गाइस यहाँ पे UI है, उसके बाद S23 अल्ट्रा जैसे फीचर्स है, अगर यहाँ पे प्रो मोड है, प्रो वीडियो है, उसके बाद जो है गाइस एक बहुत ही खतरनाक वाला फीचर है जो यहाँ पे S23 अल्ट्रा में है, फ्लैगशिप वाले डिवाइस में है टॉप एंड के सैमसंग के, लेकिन वो जो है गाइस इसमें भी ऐड है जो कि डायरेक्टर मोड है। तो इसके अंदर जो है गाइस दो कैमरे यहाँ पे ट्रिगर होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो फ्रंट कैमरा भी ऑन हो रहा है, बैक कैमरे भी ऑन हो रहा है एंड उसी के साथ आप जो बैक कैमरा यूज कर रहे हो उसके जो है लेंसेज भी स्विच मार सकते हो, तो 3x 2x एंड देन यू नो 1x, तो दैट इज रियली इनसेन। इस टाइप के फीचर्स जो है गाइस इस प्राइस पॉइंट पे मिलना बहुत बहुत बड़ी बात। सो अगर मैं ओवरऑल बताऊं तो ये डिवाइस जो है आपके लिए जो है बहुत बहुत फायदेमंद है इस प्राइस रेंज पे, क्योंकि जो आपको यहाँ पे इसके अंदर का पैकेज मिलता है वो जो है बहुत ही तगड़ा है। ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है, 50 megapixel का मेन प्राइमरी लेंस है, उसके बाद 8 megapixel का 3x टेलीफोटो की लेंस है एंड जो थर्ड है वो है 12 megapixel का अल्ट्रा वाइड कैमरा। तो कैमरा क्वालिटी जो है बहुत ही तगड़ी है। उसी के साथ यहाँ पे 4500mAh की बैटरी है जो यहाँ पे 25 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट करती है एंड ऑफ कोर्स ये सब को जो है पावर अप कर रहा है वो है यहाँ पे 4 नैनोमीटर का एक्सिनोस का 2200 का प्रोसेसर, जिस पे आई थिंक कुछ भी रन करो बहुत बहुत मक्खन चलने वाला है। एंड स्पेशली ये डिवाइस का जो सबसे मेन हाईलाइट फीचर है वो है गाइस इसका रे ट्रेसिंग। ये डिवाइस जो है गाइस सपोर्ट करता है रे ट्रेसिंग फीचर। अभी हालांकि मार्केट में इतने सारे गेम्स नहीं है लेकिन फ्यूचर प्रूफ के हिसाब से इसके अंदर जो है गाइस रे ट्रेसिंग फीचर भी है, तो अगर कोई गेम सपोर्ट करता है रे ट्रेसिंग तो ये मोबाइल जो है गाइस वो रे ट्रेसिंग फीचर इजीली रन करने वाला है। एंड ऑल्सो अगर मैं वीडियोग्राफी की बात करूं भाई 4K में रिकॉर्ड कर सकते हो, 1080p में कर सकते हो एंड ऑल्सो भाई 8K 24fps में रिकॉर्ड कर सकते हो, और क्या चाहिए भाई। सो मेरे हिसाब से आप सभी के लिए नॉर्मल यूजर्स के लिए गेमर्स के लिए रे ट्रेसिंग वगैरह है और आपको क्या चाहिए मुझे पता नहीं, तो आपके लिए जो है ये बेस्ट पिक होने वाला है। तो दैट्स इट, इतना है आज के वीडियो में। अगर कोई अनबॉक्सिंग अच्छी लगी डू गिव इट अ लाइक एंड अगर आप परचेस करने का सोच रहे हो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी इसे बाय करने की, गो फॉर इट। एंड जैसे मैंने आपको कहा आप गेमर्स के लिए एक गेमिंग रिव्यू भी आएगा, सो डू लेट मी नो कमेंट सेक्शन में कि कौन कौन से गेम जो है आपको इस डिवाइस में इस बीस्ट ऑफ अ फोन में टेस्ट करनी चाहिए, तो वो जो है मैं आपको गेमिंग वाले वीडियो में इंक्लूड करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक कर देना एंड डू लेट मी नो कैसे लगा आपको ये डिवाइस। जस्ट हैव अ लुक मैन, जस्ट हैव अ लुक एट दैट बैक पैनल कैमरा मॉड्यूल, इट्स नाइस।